जब आग लगा दोगे सीने में तो मजा आएगा जीने में। वन मोर टाइम, कम ऑन, जब आग लगा दोगे सीने में तो मजा आएगा जीने में। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर और एक सर्टिफाइड लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच विकास यादव, आपका स्वागत है। मैंने फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पे एक फोटो को वायरल होते हुए देखा। उस फोटो के अंदर दो भुट्टे लगे हुए थे, कच्चा भुट्टा जिसकी वैल्यू 5 रुपए वहां पर लिखी हुई थी और एक भुना हुआ भुट्टा जिसकी वैल्यू वहां पर 20 रुपीज लिखी हुई थी, और बड़ा सुंदर सा कैप्शन उसके ऊपर लिखा था, अगर आपको अपनी जिंदगी में वैल्यू बढ़ानी है तो तपना पड़ेगा। कितनी सुंदर और महत्वपूर्ण बात यह है अगर हम इसको ध्यान से सोचें। अमिताभ बच्चन ने भी इस फोटो को शेयर किया कि अगर जिंदगी में अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो आपको तपना पड़ेगा। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी, काफ़ी अपने दोस्तों से बात करी, और लोगों को ये कहते हुए बहुत बार सुना है कि साहब टाइम का पैसा मिलता है। मैं आपको कहता हूँ, पैसा टाइम का नहीं मिलता है। अगर आपको $20 60 मिनट्स के पैसा मिलता है तो वो 60 मिनट्स का पैसा नहीं है। वो पैसा है कि 60 मिनट्स में आपने अपने अराउंड क्या वैल्यू क्रिएट करी है, वो उसका रिवॉर्ड है। अगर आप 2,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ पर मंथ अर्न करते हैं तो वो उसका अर्न नहीं करते हैं जो टाइम आप अपने काम के अंदर स्पेंड करते हैं, बल्कि आपको वो उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलता है कि आप कितनी वैल्यू उस टाइम के दौरान ऐड कर पाते हैं। हमारी वैल्यू ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा समय काम करने से नहीं मिलती है। मैंने काफ़ी सारे लोगों से ये भी पूछा है कि अगर ज़िंदगी में ज़्यादा कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा। सर, ज़्यादा समय काम करना पड़ेगा। 1 घंटे में आप 1 घंटे जितना तो काम कर सकते हैं। आप 1 दिन में कितना काम करेंगे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे? और अगर जिंदगी में ज्यादा कमाना है तो 24 घंटे से ज्यादा तो आप कभी काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1 दिन की लिमिट है 24 घंटे और 24 घंटे से ज्यादा हम काम नहीं कर सकते। तो साहब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूं। एक मैकडोनल्ड का एम्प्लॉय जो $20 a month कमाता है, और एक ब्रेन सर्जन जो उससे 10 times ज्यादा पैसा कमाता है। इसका मतलब ये नहीं है जो ब्रेन सर्जन है वो ज्यादा स्मार्ट है, वो ज्यादा मेहनत करता है। जी नहीं, हो सकता है कि जो मैकडोनल्ड्स का एम्प्लॉय है वो उसे ज्यादा मेहनत करता हो, उसे ज्यादा टाइम काम करता हो, लेकिन जो वैल्यू वो ऐड करता है, जो वैल्यू एक ब्रेन सर्जन ऐड करता है, वो काफी कम लोग ऐड कर पाते हैं। और जो वैल्यू वो ऐड कर पाता है वो शायद एक मैकडोनल्ड्स का एम्प्लॉय नहीं कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको रिजल्ट्स चाहिए तो आपको अपना टाइम नहीं बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने की जरूरत है, आपको अपने अंदर एक वैल्यू ऐड करने की जरूरत है। तो क्या वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कुछ काम हम ऐसे कर सकते हैं जिससे हम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। समय ना लगाओ तय करने में कि क्या करना है, समय न लगाओ तय करने में कि क्या करना है, नहीं तो समय तय कर देगा तुम्हारा क्या करना है, नहीं तो समय तय कर देगा तुम्हारा क्या करना है। क्या काम है ऐसे जो आप कर सकते हो और जिनसे आपकी वैल्यू बढ़ सकती है? आप वो नई स्किल्स एक्वायर कर सकते हो इस नए जमाने के अंदर, जिससे आप ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर पाएंगे। ज्यादा टाइम लगा करके नहीं, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा अच्छे तरीके से आप अपने थॉट्स को ग्रो कर पाएंगे। वो कहते हैं ना, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके माइंड से नेगेटिव बाहर आएगा। गार्बेज इन गार्बेज आउट, वाटर इन वाटर आउट, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट। जितना पॉजिटिव सोचोगे, जितना अपने थॉट्स को नर्चर करोगे, जितना अपनी स्किल्स को एक्वायर करने में टाइम लगाओगे, आपकी वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। सोचिएगा वो कौन सी अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो आप रीड कर सकते हैं, वो कौन से अच्छे अच्छे थॉट्स हैं जिनको आप एक्वायर कर सकते हैं, वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो किसी ने नहीं सीखी और जो सिर्फ आपके पास हैं, वो कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो किसी ने नहीं पढ़ी जिनसे नॉलेज आपने ली है, वो कौन से अच्छे थॉट्स हैं, वो कौन से अच्छे काम हैं जो बाकी के लोग नहीं करते हैं और आप करते हैं। आप अपनी वैल्यूज को दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं। तो जिस दिन आप अपनी वैल्यू को बढ़ा लोगे, जिस दिन आपके सीने में और आपके अंदर ये जुनून क्रिएट हो जाएगा कि मुझे अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है, उस दिन आपको उसका उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। मैं आपको एक और सुंदर सा एग्जांपल देता हूं। दो बच्चे सेम स्कूल से पास आउट हुए, सेम टीचर्स ने उनको पढ़ाया, और जब रिजल्ट आया तो एक बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आए और एक बच्चे के मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आए। इसका क्या मतलब समझते हैं आप? क्या वो क्लास में नहीं बैठा था? क्या उसने अपना उतना टाइम क्लास में नहीं दिया था? उस बच्चे ने, उन दोनों बच्चों ने बराबर टाइम अपना क्लास में दिया, लेकिन जो वैल्यू
उस ब्रिलियंट बच्चे ने उस पर्टिकुलर टाइम में एक्वायर करी, शायद वो बच्चा उस वैल्यू को एक्वायर नहीं कर पाया, उतनी वैल्यू ऐड नहीं कर पाया, वो उतने अच्छे तरीके से, उतने स्मार्ट तरीके से अपने काम को नहीं कर पाया जो एक ब्रिलियंट बच्चा कर पाया, इसलिए उसका रिजल्ट अच्छा मिला। तो अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो अच्छे रिजल्ट्स टाइम और मेहनत से नहीं मिलते, वो मिलते हैं वैल्यूज को ऐड करने से, कि आप अपने वर्ल्ड के अराउंड कितनी वैल्यूज ऐड कर पाते हो। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो आज से ये सोचो कि मैं अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकता हूं, और जिस दिन मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी उस दिन मुझे रिजल्ट मिलेगा, उस दिन मुझे वो सब मिलेगा जो दुनिया ने सोचा नहीं था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आगे फिर मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।